और भाई माशाल्लाह से इस वक्त आधी रात है और फुल हुआ है भाई, पूरी दुनिया से जो है मुसलमान आए हुए हैं। भाई तुम लोग देख सकते हो कि दो सहाबा किराम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कब्रें इसके अंदर हैं। ओए अम्मा देखो उसको पता है, अम्मा ना करे ना करे, नहीं वो मेरे से डरती है। ये देखो जम मारने के लिए रेडी है अरूप, अभी तुम्हारे नाक के अंदर घुसने लगी है ये। तो ये हमारे चार बोतल जमजम के जो है ना हो गए डन। हमला जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और भाई इस वक्त जो है माशाल्लाह से हमारे सामने मस्जिद नबवी है भाई, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक करके करते, मेरे साथ बाबा हैं, रूब है, मम्मा हैं। तुम लोगों को पता है कल मैंने यहीं से व्लॉग एंड कर दिया था, मैं कहा भाई मस्जिद का जो है ना तुम लोगों को अलग से व्लॉग दिखाऊंगा। असल में हमने जो है ना मदीना पूरा 24 घंटे रहना था, लेकिन हम लोग मक्का में एक एक्स्ट्रा दिन हमें ठहरना पड़ गया है एक काम की वजह से। तो अब हम लोग मदीना आए हैं और हमारे पास ये वाला टाइम है रात का, वरना दिन दिन में जो है उसकी अलग ही खूबसूरती होती है। दिन दिन में भी तुम लोगों को दिखाते, लेकिन हम दोबारा आएंगे दिन में। चाहिए होने लगी है हमारी रोजा रसूल में एंट्री। क्या बात है भाई, कितनी प्यारी है ना, वेरी नाइस। भाई अभी हम जो जाके देखते हैं आगे सारा एक्सप्लोर करते हैं और तुम लोगों को भी घुमाते हैं फिर। ये जो छतरियां तुम लोगों को दिख रही है ना, ये जो है ये दिन टाइम खुल जाती हैं और साया बन जाता है, तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता थी ये बात। नहीं ये वाकई खुल जाती हैं, ये जो छतरियां बनी हुई है, ये छतरियां असल में, ये पिलर्स नहीं है, ये छतरी है और ये इतनी बड़ी होती है जायंट। सोचो ये जो पूरा जो तुम्हें मीनार से दिख रहा है ये पूरी छतरी है जो खुल जाती है। तो भाई माशाल्लाह से इस वक्त आधी रात है और फुल हुआ है भाई, पूरी दुनिया से जो है मुसलमान आए हुए हैं और इंडोनेशियन बहुत हैं भाई। वो जगह नमाज पढ़ने की ठीक है, तो और हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ अंदर से, और ये पूरी जो है मस्जिद वगैरह उन्होंने बनाई हुई है। तो यार ये लिखा हुआ है टू सेंड सलाम अपॉन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो के है इस तरफ, ठीक है। हम यहाँ से जाएंगे जो के है रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे कब्र है। तो हम अभी सलाम फातिहा वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ से जो है ना इनका रास्ता वगैरह बनाया हुआ है। ये क्लीनिंग के जो है के लिए जो है ना इन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ ट्रक्स वगैरह रखे होते हैं, वरना उधर मक्का खाना काबा में तो नॉर्मल मैनुअली लोग कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने जो है ये गाड़ियाँ रखी हुई है, तुम लोग देख सकते हो। और जेंट्स और लेडीज का जो है ना उन्होंने अलग बनाया हुआ है। तो रूब और मम्मा किसी और रास्ते से जा रहे हैं, हमें इस रास्ते से जाना है। वो भी पहुँच के मिलते हैं तुम लोगों से। शूज हम लोग जो है यहाँ से उतार लेते हैं। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, मेरे ख्याल से कोई नया कोई हिस्सा बन रहा है, पता नहीं कुछ बन रहा है यहाँ पे, रेनोवेशन वगैरह हो रही है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने ये वाला जो है ना रास्ता बंद किया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ओह माशाल्लाह, दुरूशी पढ़ लेते हैं। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि दो सहाबा किराम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कब्रें इसके अंदर हैं। गोइंग दुआएं दुरूशी वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली है। अभी यहाँ पे जो है ना ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे से आ रहे होते, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। रियाजुल जन्ना। अच्छा, तो ये वाली जो है ना साइड ये है रियाजुल जन्ना, जहाँ पे कहते हैं कि जन्नत का जो है वो टुकड़ा है। यहाँ पे जो है ना सिर्फ परमिट लेके आप जा सकते हो, हर कोई नहीं आ सकता। मतलब एक ऑनलाइन इनकी ऐप होती है, वहाँ पे आपको डेट लेनी पड़ती है। तो हमने बड़ी ट्राई की है लेकिन डेट मिली नहीं है, और इनकी अभी भी बड़ी देर बाद जो है इनकी बारी आनी है। तो ये सारे बारी बारी करके जो है वहाँ पे जाएंगे और अपने नफल वगैरह पढ़ेंगे। वो एरिया है छोटा सा जो जन्नत का हिस्सा है। अच्छा अच्छा, वो जन्नत में एज इट इज चला जाएगा और लोग इस वजह से उस वहाँ पे नवाफल अदा करते हैं, उसको मतबरक समझते हैं उसे। हाँ, इसलिए रश है। इस गुंबद के नीचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, ग्रीन वाली। अच्छा, ग्रीन वाली के नीचे है। तो मतलब अभी हम यहाँ से होके आए हैं, और भाई ये टिड्डियाँ देखें, ये भी जो है ना बहुत ज्यादा उड़ रही हैं भाई यहाँ पे हैं। उस तरफ तो लाइन लगी हुई है टिड्डियों की, बहुत ज्यादा सबसे बड़ी वो है। नहीं, मैंने इससे एक बड़ी देखी है ये। ये देखो जम मारने के लिए रेडी है अरूप, अभी तुम्हारे नाक के अंदर घुसने लगी है ये। टिड्डियों की क्या शुरू है, इतनी है क्यों टिड्डियाँ, कोई है आइडिया? आपको जब भूख लगे इसको पकाओ और खा लो, हलाल है। बिल्कुल हलाल है, आपके लिए तो हलाल है, हमारा पता नहीं। बच्चों के लिए तो हलाल है, हमारा तो पता नहीं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रियाजुल जन्ना का जो है ना परमिट लेके आना है हमने पहले से तैयारी करके। बल्कि मैं कोई ताल्लुक निकाल लेता हूँ यहाँ पे किसी सऊदी का, कोई भी अगर देख रहा है कोई सऊदी प्रिंस या कोई उनके कोई खानदान जैसे रिश्तेदार या कोई जानने वाला उनके ग्रैंड पेरेंट कोई भी देख रहा है तो भाई हमें कोई एंट्री दिलवा दो है। अच्छा भैया देखो उनकी टिड्डियों से इतनी जान निकल रही है, वो तो मुंह कवर करके जा रहे हैं, रेस्क्यू करके जा रहे हैं, उसको रेस्क्यू करके टिड्डियों से जान निकल गई है उसकी। टिड्डियां तो खुद डर के मारे उसके पास नहीं आ रही। ओए अम्मा देखो उसको पता है, अम्मा ना करे, नहीं वो मेरे से डरती है। ये वाली अम्मा मेरे ख्याल से हमारे सामान के अंदर चले जाएगी, फिर जब हम पाकिस्तान जाके खोलेंगे तो पता लगे अंदर टिड्डी बैठी हुई है। हाँ,
हम बगैर वीजे के आगे बगैर वीजे के टाइम लगाते हैं वीजा और पासपोर्ट के लिए और ये देखो बगैर बहुत ज्यादा टिड्डियां आ गई हैं भाई। बारिश होती है ना, बारिश में फिर पहाड़ों में पैदा होती है, उसके बाद फिर अक्सर गर्मियों में होती है, सर्दियों में नहीं होती। तो अभी तो मौसम अच्छा है, फिर भी टिड्डियां बहुत आई हुई है। कुछ मार्केट वगैरह इन्होंने दी हुई है, हमें लग गई थी भूख इसलिए हम लोग आए यहाँ पे। फूड पॉइंट क्या खाना है माँ? पिज्जा पूरा खा ले फिर, पिज्जा पूरा नूडल शुगर, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है भाई। यहाँ से जो है ना कोई चीज पकड़ते हैं, क्या क्या इनके पास बच्चों वाले नूडल्स, मैं भी एक वैसे कप नूडल ले लेते हैं। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठंडा ठार कप नूडल खाने का मजा भी आएगा। दो चिकन नूडल कर दो, फ्रूट प्लेटर कर दो जो सामने पर है। इसके अलावा पिज्जा है, नूडल्स हैं, कप नूडल्स हैं, बर्गर शर्गर है, रोटी सालन नहीं है इनके पास, फास्ट फूड है बस। A few moments later. मजेदार। तो है मदीना से हो गए थे हम लोग फारिग, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट क्योंकि है हमारी वापसी। पहले हमने जाना है मदीना से जद्दा, वहाँ पे कुछ डे है, फिर जद्दा से हमने जाना है लाहौर वापस। आबे जमजम जो है ना उधर एयरपोर्ट से मिलेगा 4 लीटर पर बंदा, 16 लीटर पूरा। वो आबे जमजम भी हमें कलेक्ट करना है एयरपोर्ट से, हो सकता है हमें मदीना एयरपोर्ट से ही मिल जाए। बस फिर मिलते हैं तुम लोगों को। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं मदीना एयरपोर्ट, और भाई कितना खूबसूरत तरीन बना हुआ है भाई एयरपोर्ट, कम कोई टूरिस्ट लोकेशन ज्यादा लग रही है। बहुत अच्छा जो है उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है बाहर से, ठीक है अभी अंदर से भी तुम लोगों को मदीना एयरपोर्ट का जो है मैं टूर शुरू करवाता हूँ। अभी बस बैग शैग निकल जाए, कितना प्यारा एयरपोर्ट है ना, हमारे बैग शैग वगैरह जो है ना निकल जाए, फिर देखते हैं अंदर एयरपोर्ट में तुम लोग को टूर करवाता हूँ अंदर से। 3 घंटे पहले हम लोग पहुंच गए हैं वैसे एयरपोर्ट, करेंगे क्या अंदर बैठ के हैं, हाँ वैसे खाना भी खा लेते हैं अभी, नूडल खा के गुजारा किया बस। भाई ये चेक करो, ये है जी मदीना एयरपोर्ट अंदर से, और बड़ी फ्लाइटें जाती है भाई यहाँ से, हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं यार। तो ये जो है ना डब्बे शब्बे लेके जा रहे हैं, ये जमजम लेके जा रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जमजम लेने, ठीक है। वो जो है ना कार्टन वगैरह एक एक डब्बा जो है ना हर बंदे को मिलेगा, कितना लीटर होता है एक डब्बे में? 5 लीटर, मतलब हमारे पास कोई तकरीबन 20 लीटर होगा जमजम, तो आई थिंक इनफ है। अगर तो आपने अपना जमजम वाटर अपने किसी अपने कार्टन में या किसी बोतलों में भरा ना, तो वो एयरपोर्ट वाले जो है ना लेके जाने नहीं देते। छोटी बोतलों में तो चलो ले जाओ, लेकिन कोई बड़ी वाली बोतल होती है ना उसमें नहीं लेके जा सकते, तो वो एयरपोर्ट से ही आपको कलेक्ट करना पड़ता है, और पर बंदा एक डब्बा मिलता है 5 लीटर का। वह जी जमजम का पिकअप ऑफिस, ठीक है यहाँ पे अब हम लाइन में लग जाते हैं, यहाँ से हमने करना है पिकअप ना, इस काउंटर पे हमने करनी है छोटी सी पेमेंट। 4 गिव मी 1 पासपोर्ट प्लीज, 1 पासपोर्ट ओनली हियर। पर बंदा उन्होंने लिया है जी 12.5 रियाल सऊदी, ये हमने यहाँ पे दे दिया रसीद और ये हमें पकड़ा देंगे। तो ये हमारे 4 बोतल जमजम के जो है ना हो गए डन, बोनी बात वगैरह पकड़ने पे हमारे 3 घंटे है मदीना एयरपोर्ट में भाई। A few inches later. ये देखें डब्बे ले आए मैं 4, 5 लीटर का एक डब्बा है, यानी कि 20 लीटर हमारे पास आ गया। अम्मा वो पी लें, अभी पी लें, पेट में छुपा के लेके जाएं। फाइनली जाने लगी है, कुछ महीने बाद पाकिस्तान वापस। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। तो बोर्डिंग पास वगैरह हम लोगों को मिल चुके हैं, सही है। यहाँ पे मैं फिलहाल व्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट पे हमारा बड़ा लंबा टाइम है भाई, अभी यहाँ पे 3 घंटे है, फिर जद्दा में भी हमारा कोई 2-3 घंटे है, तो टाइम ही टाइम है एयरपोर्ट पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। फाइनली हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, कैसा लगा टूर, मजा आया फिर? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लगा, मजा आया फिर? अरूप तो शुक्र कर रही होगी कि हम जा रहे हैं, हम महीने बाद हैं। हाँ। तुम्हें तो जरा मजा नहीं आया पाकिस्तान से बाहर रह के? बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा था। बस कोई बात नहीं, आ जाएंगे दोबारा, आ जाएंगे कोई बात नहीं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं कल। ओ काफिर।